देखिए दिल्ली के राउज आईएएस कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में डूबने से 3 छात्रों की मौत हो गई, जिसको लेकर कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन अब बड़ी खबर के तौर पर आपको बता रहे हैं कि चश्मदीद भी सामने आ चुका है और उसने बताया कि कैसे 35 बच्चे उस वक्त वहां पर फंसे हुए थे। प्रगति, सेंटर हादसे के चश्मदीद ने अपनी आपबीती सुनाई है। चश्मदीद हृदय चौहान ने हादसे की आपबीती सुनाई, उस समय 30 से 35 बच्चे थे। उसने कहा, उसने बताया कि बहुत मुश्किल हो रही थी, बाहर निकल नहीं पा रहे थे क्योंकि एकदम 2 से 3 मिनट ही हुए थे जब पानी भर जाता है और कई फीट पानी भर जाता है। गार्ड सबको जल्दी से निकालने के लिए बोल रहा था, एंट्री गेट के बाद बहुत पानी था। तो चश्मदीद, जिसका नाम हृदय चौहान बताया जा रहा है, उसने आपबीती बताई। उसने बताया कि वो वहां मौजूद था और किस तरह से गार्ड बाहर निकाल रहा था सभी बच्चों को, जल्दी से बाहर निकाला जा रहा था, उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा था, उन्हें बोला जा रहा था कि आप समय रहते बाहर निकल जाइए क्योंकि कुछ मिनट में ही, कुछ मिनटों में ही काफी ज्यादा पानी भर गया था, करीब 12 फीट पानी भरा हुआ था, जिसके बाद लोगों को निकलने में मुश्किल का सामना करना पड़ा और 3 बच्चों की जान चली गई, श्रेया, नेविन और तान्या की जान चली गई। ऐसे में गुस्से का सैलाब देखने को मिल रहा है, लोगों का विरोध प्रदर्शन भी नजर आ रहा है। देखिए लगातार आपको बड़ी खबर के तौर पर बता रहे हैं, चश्मदीद ने हादसे की आपबीती सुनाई है और बताया बच्चे फंसे हुए हैं। लेकिन लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीरें राजेंद्र नगर में हादसे के बाद एमसीडी जागा राजेंद्र नगर में। बेसमेंट की अगर बात करें तो लाइब्रेरी को सील किया जा रहा है। इसके अलावा ये भी आपको बता रहे कि राजेंद्र नगर के साथ मुखर्जी नगर में भी सीलिंग कार्रवाई की जा रही है और मुखर्जी नगर में भी छात्र धरने पर बैठे और बारिश में जलभराव का मुद्दा उठाते हुए नजर आए। इससे पहले देखिए लगातार हमने देखा था कि कैसे यहाँ पर छात्र इस बात को उठाते हुए नजर आए थे, प्रगति, कि यहाँ पर जब भी एमसीडी के चुनाव हुए तो उस वक्त भी आम आदमी पार्टी जो है ये कहते हुए नजर आई थी कि इस बार जो जल जमाव, जल भराव की समस्या है उसे आपको निजात मिलेगी। पिछली बारिश में हमने देखा आलम वही था, इस बार की बात करें फिर से वैसी तस्वीरें सामने आई। और इस वक्त 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, राजेंद्र नगर और इसके अलावा मुखर्जी नगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर एमसीडी जागा भले ही है लेकिन छात्र जल भराव की समस्या को लगातार उठाते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हर बार दावे किए जाते हैं लेकिन सभी के सभी दावे जो है वो हवा हवाई साबित होते हैं। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे थे, मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर, जिन्हें कोचिंग का हब कहा जाता है, दूर दराज से लोग पढ़ने के लिए पहुंचते हैं और बच्चों का गुस्सा फूटता दिखाई दे रहा है। अब एमसीडी प्रशासन और दिल्ली प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है और अवैध बने हुए बेसमेंट को सील किया जा रहा है, उन्हें बंद किया जा रहा है, ताले जड़े जा रहे हैं और एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि हादसे के बाद ही क्यों प्रशासन जागता है और पहले ढील क्यों दी जाती है। रिपोर्ट देखिए। सोए हुए सिस्टम ने दिल्ली में 3 होनहार छात्रों को मौत की नींद सुला दिया। हादसे की तस्वीरें देखकर जहन में एक ही सवाल उठता है कि आखिर ऐसे हादसों के बाद ही सिस्टम क्यों जागता है। दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद जहां एक तरफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है तो वहीं सियासी वार पलटवार का दौर भी जारी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी जहां एक दूसरे के खिलाफ जमकर वार पलटवार कर रहे हैं तो वहीं एलजी ने 24 घंटे के भीतर दोषियों की जिम्मेदारी तय कर कठोर एक्शन का भरोसा दिया है। अब तक पूरे मामले में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 20 बेसमेंट सील किए जा चुके हैं, 1 इंजीनियर को टर्मिनेट, 1 को सस्पेंड भी किया जा चुका है। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने राजेंद्र नगर हादसे के बाद एमसीडी को नोटिस भेजकर पूछा है कि आखिर ड्रेनेज सिस्टम की जिम्मेदारी किसकी है। वहीं गृह मंत्रालय ने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग के बेसमेंट में हुए हादसे की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। ये समिति 30 दिनों के भीतर न सिर्फ हादसों की जांच करेगी बल्कि जिम्मेदारी तय करने के साथ साथ सुझाव भी देगी। अब दिल्ली में एक्शन देखने को मिल रहा है, बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है, देश भर के कोचिंग सेंटर अब अलर्ट पर हैं। दिल्ली से लेकर जयपुर तक कोचिंग सेंटर के नाम पर मौत का कुआं तैयार कर लाखों की उबाही करने वाले कोचिंग सेंटर्स को सील करने की कार्यवाही चल रही है। एमसीडी ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में स्थित ऐसे 13 कोचिंग सेंटर जो बेसमेंट में नियमों का उल्लंघन कर रहे थे उनके बेसमेंट को सील कर दिया है। एमसीडी की ओर से इन सभी कोचिंग संस्थानों पर नोटिस चस्पा कर उनसे जवाब मांगा गया है। मतलब साफ है कि अब भी ऐसे कई मौत के कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं जो अभी भी हादसों को दावत दे रहे हैं।
राजेंद्र नगर में जो दुर्घटना हुई उसका असर अब मुखर्जी नगर पे भी पड़ने लगा है। आप ये नोटिस यहाँ पर देख रहे हैं, राजेंद्र नगर में हुई दुर्घटना में मृतक छात्रों को श्रद्धांजलि के नोटिस यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन ये जो दृष्टि एक तरीके से इंस्टीट्यूट है, आप ये देखेंगे पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। इस दृष्टि इंस्टीट्यूट को भी अब यहाँ पर बंद किया गया है और कारण ये बताया जा रहा है कि जो क्लासेस यहाँ पर चलती थी वो बेसमेंट में चलती थी और जो नियम कानून का पालन यहाँ पर किया जाना था वो नियम कानून का पालन जो है वो यहाँ पर नहीं किया गया। कुछ स्टूडेंट है उनसे हम बात करेंगे। समस्या ये है कि कोचिंग एक बिजनेस बना लिया गया है, जो कोचिंग और यहाँ पे जो डीलर हैं ये सब एक तरह से नेक्सस चल रहा है और इनको भी रोकना होगा। यहाँ पे जो रेजिडेंशियल एरिया में भी लाइब्रेरियाँ चल रही है, यहाँ पे ऊपर देख लीजिए पूरी लाइब्रेरी लगे हुए हैं, तारों का ये झुंड देख लीजिए आपको दिखेगा यहाँ पे, और कोचिंग यहाँ पे नीचे बेसमेंट में चलाई जा रही है। अगर इस तरह की दुर्घटना होगी तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? मुखर्जी नगर में प्रशासन हरकत में आया है। यहाँ प्रशासन ने दृष्टि आईएएस कोचिंग की बेसमेंट पे चलने वाली क्लास को सील कर दी है। यहाँ बेसमेंट पे 5 अलग अलग क्लासेस चल रही थी जिस पर अब सरकारी सील लगा दी गई है। छात्रों ने बताया कि एक बैच में 700 बच्चे पढ़ते हैं, ये बैच बेसमेंट में चलते थे। यहाँ पे जयपुर पुलिस कमिश्नर के आदेशों के बाद में अब जो लाइब्रेरी है बेसमेंट्स में जहाँ पढ़ाई होती है वहाँ जो चेकिंग जो है वो शुरू हुई है। कागजात देखे जा रहे हैं, फायर सेफ्टी सिस्टम जो है वो देखा जा रहा है, बेसमेंट से निकलने का रास्ता क्या हो सकता है दूसरा वो देखा जा रहा है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं और बच्चों से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। थोड़ा सा पोकेशन होते हैं, एक गोस्ट है वैसे, 2-3 अंदर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। भी जाते दिक्कत होती है थोड़ी बहुत तो खोल गेट खोल देते, वो भी खुल जाता है, एसी भी चला देते। सफोकेशन का प्रॉब्लम तो होता है थोड़ा सा, सफोकेशन का प्रॉब्लम। हाँ, और फिर भी एक्चुअली मेजर जो भी है प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, मतलब JDA वगैरह को उधर MCD का लेना चाहिए। हाँ, फिर भी मतलब जितना भी है कि वो तो क्या है, कोचिंग का बेसमेंट 2-3 दिन से कंटिन्यू चल रहा है, उसमें हमने भी पढ़ा था। तो वहीं अब ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित श्रीराम IAS कोचिंग के बाहर अतिक्रमण को तोड़ा गया, बुलडोजर कार्रवाई की गई। दिल्ली हादसे के बाद देश के दूसरे कोचिंग सेंटर हब यानी कोटा में प्रशासन फुर्ती में आ गया है। जयपुर पुलिस कमिश्नर ने सभी थाना अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि अपने अपने इलाकों में कोचिंग और लाइब्रेरी जो बेसमेंट पर चल रही हैं उनके सुरक्षा उपकरणों और भवन की स्थिति का आकलन करें, बिल्डिंग की स्थिति कैसी है इसकी जानकारी जुटाएं। जयपुर के गोपालपुर इलाके में बहुत सारे कोचिंग और बेसमेंट लाइब्रेरी में हैं जिन्हें लेकर पुलिस ने कल मौके पर जाकर जानकारी जुटाई। रिपब्लिक भारत की टीम भी मौके पर जाकर जयपुर की बेसमेंट बनी हुई कोचिंग और लाइब्रेरी का जायजा लिया जिसमें छोटी सी जगह में 150 से 200 बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। कुल मिलाकर राजेंद्र नगर में 3 मासूम छात्र जब सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़े तो प्रशासन को कोचिंग सेंटर के सेहत की याद आ गई। आनन फानन में नोटिस जारी करने से लेकर बुलडोजर तक चला दिया गया। लेकिन सच तो यही है कि ये हादसा नहीं बल्कि हत्या है। कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति का ड्रामा कर सांप के चले जाने के बाद लकीर पीटना, अगर प्रशासन की नींद पहले खुल गई होती तो शायद आज 3 परिवारों के दीपक ना बुझे होते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।